हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है और मैं हूँ जागृति भट्ट। आज हम बनाएंगे तुरई के छिलके का संभारा। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तुरई के छिलके हमने निकाल लिए। तो ये छिलके को हमने थोड़ा लंबा चॉप करके लिया है। थोड़ा सा, एक छोटी चम्मच जितना हम तेल डालेंगे कढ़ाई के अंदर। तेल हमारा हीट होने के बाद हम इसमें राई और जीरा डाल देंगे। राई और जीरा आधी छोटी चम्मच हमने लिया है। और राई और जीरा क्रैकल होने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग मिलाएंगे। हींग हमारी मिलाने के बाद हम इसमें हरी मिर्च हमने बारीक और लंबी चॉप करके रखी है। 2 से 3 हरी मिर्च जिस तरह से लंबी चॉप करके ली है वो डाल देंगे। और अभी इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्च हमने थोड़ी फ्राई कर ली। अभी हम इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे। तो देखो, ये हल्दी और नमक डाल दिया हमने और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने जो तुरई के छिलके काट के रखे हैं वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, बिल्कुल उतना पानी मिलाना है, एकदम थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं मिलाना है। और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होना है, इसमें क्रंच रहना चाहिए। थोड़ा क्रंची संभारा होता है तो इसमें क्रंच बिल्कुल नहीं चला जाना चाहिए। एकदम गला हुआ पकाना नहीं है हमें। थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है और पूरा पानी जो है इसमें जल चुका है। अभी इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये संभारा हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसे तुरंत ही सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जागृति वेज फूड पर शेयर करें। बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।